हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आरुष हेल्थ केयर और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट कम्बिनेशन के बारे में। एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिया है मॉक्सिकैंट सीवी 625, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एमोक्सिसिलिन ट्राईहाइड्रेट 500 mg और पोटेशियम क्लेवनेट इसमें प्रेजेंट होता है 125 mg। तो देखिए, जो मॉक्सिकैंट सीवी 625 का नाम है वो कहाँ से लिया गया है। मॉक्सी जो इसमें है रिप्रेजेंट्स करता है एमोक्सिसिलिन को, और काइंड जो है वो कंपनी के नाम से लिया गया है मैन काइंड, और सीवी यहाँ पे रिप्रेजेंट्स करता है पोटेशियम क्लेवनेट को। 625 का यहाँ मतलब है कि जो भी इसमें दोनों कंपोजिशन प्रेजेंट है उनका ये टोटल है। जैसे कि एमोक्सिसिलिन इसमें 500 mg प्रेजेंट है और पोटेशियम क्लेवनेट इसमें 125, तो अगर इसका टोटल करेंगे तो 625 निकल के आता है। एक कंपनी है जिसका नाम है कोपमेड फार्मा। ये एक ऐसी कंपनी है जो इस दवा की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन जो मार्केटिंग इसकी है मैनकाइंड फार्मा करती है। तो MRP की अगर हम बात करें तो 10 गोलियों का दाम इसका 154.55 रुपये का है, जो कि मार्केट में काफ़ी फेमस है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आपको इजीली मिल जाती है। बात करें अगर इस टैबलेट के यूज़ के बारे में, तो इस टैबलेट का इस्तेमाल कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये एक पेंसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है जिसका काम फेफड़ों में होने वाले इन्फेक्शन, जैसे कि निमोनिया, कान में कोई इन्फेक्शन हो, गले में कोई प्रॉब्लम हो, पेशाब से संबंधित कोई रोग हो गया हो, जैसे कि पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब रुक के आ रहा है, पेशाब में जलन है, तो उन सभी कंडीशंस में इस टैबलेट को दिया जाता है। इसके अलावा अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, या फिर गर्दन के नीचे आपने कई बार देखा है कि गांठ सी निकल जाती है, तो वहाँ पे अगर इस टैबलेट को दिया जाता है तो काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टीथ के इन्फेक्शन, हड्डियों और जोड़ों के इन्फेक्शन में भी इस टैबलेट का बखूबी इस्तेमाल किया जाता है। बात करें अगर इस टैबलेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो मॉक्सिकैंट सीवी 625 के अंदर जो एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट है वो दोनों मिलके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे एमोक्सिसिलिन है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है, और जो क्लेवनिक एसिड है वो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस को ख़त्म करता है, ताकि एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर सकें। इसके अंदर जो क्लेवनिक एसिड होता है वो एक बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण कोई भी एंटीबायोटिक उस पर काम नहीं करती है। तो क्लेवनिक एसिड इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एमोक्सिसिलिन उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काफ़ी बेटर काम करती है। बात करें अगर इसके अल्टरनेट ब्रांड्स की, तो देखिए जो इसका जेनरिक नेम है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवनेट, तो ये जो आज हम बात कर रहे हैं इसका नाम है मॉक्सिकैंट सीवी 625। इसके अलावा और कौन से ब्रांड हैं जो मार्केट में आपको मिल सकते हैं, तो इनमें है मॉक्सीफोर्स सीवी 625, ऑगमेंटिन 625 ड्यूओ, मेगा सीवी 625, क्लेवेम 625। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस टैबलेट से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। अगर ये टैबलेट किसी को सूट नहीं करती है तो उसे हो सकता है उल्टी आए, उल्टी जैसा मन हो, मितली आए, डायरिया भी हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, क्योंकि अपने आप में ये एक काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक है। दोस्तों, इससे पहले मैंने क्लेवेम 625 के बारे में एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दवाइयों से जुड़ी जानकारी पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।